देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछड़े के अधिकारों को नेस्तनाब बूत कर रही भाजपा सरकार। जनपद अंबेडकर नगर के कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल के नेतृत्व में सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान योगी और मोदी सरकार द्वारा पिछड़ों के अधिकारों को हनन पर धरना प्रदर्शन किया। सरदार सेना के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सामाजिक न्याय मोर्चा निकाला गया और अंबेडकर नगर जनपद के जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल के नेतृत्व में आज अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के अंबेडकर पार्क पर सरदार सेना के नौजवानों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपकी मुख्य मांगें क्या है? सबसे पहले सम्मानित पत्रकार बंधु, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सामाजिक संगठन सरदार सेना की तरफ से जो आप इस भीड़ा को हम लोग जो उठा रहे हैं, इस भीड़ा को दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका आभार। सबसे पहले मैं बता दूं, सरदार सेना की जो प्रमुख मांगे हैं, हम लोग लगातार पिछले के दिनों में बैकवर्ड आरक्षण बढ़ाओ जन आंदोलन, आरक्षण बचाओ हुंकार रैली कर चुके हैं। और हम लोग जिस तरह से केंद्र की जो भाजपा सरकार है पिछड़ों के जो अधिकार है उसको जो है नेस्तनाबूत कर रही है, उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की मुहिम जो है हम लोग चालू कर चुके हैं। प्रमुख जो हमारी मांगे हैं, आज हम लोग सरदार सेना तमाम संगठन मिल करके आरक्षण दिवस मना रहे हैं। सरदार सेना मुख्य रूप से आज की जो मांग है वो मांग है, मैं आपको बता दूं महोदय, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग के को आबादी के अनुसार चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अधिकार मिले, प्रतिनिधि मिले, ये मांग है सरदार सेना की। प्राइवेट हो चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे जो हो, वहाँ संपूर्ण प्रतिनिधि चाहिए। दूसरा, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक संपूर्ण पिछड़े वर्ग का जिन जिन विभागों में प्रतिनिधि का हनन हुआ है वो पूर्णतया भरना चाहिए। तीसरा मांग का चौथा मांग करते हैं कि अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि 10 दिन पहले हम लोग पिछड़ों के लिए आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो है पिछड़ों की मेरिट सवर्णों से ज़्यादा कहीं कर दी गई थी, उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए राज्यपाल महोदय को, और राज्यपाल महोदय का एक लेटर जो है वापस हुआ कि इस पर मैं भर्ती को जल्द से जल्द रोक लगाऊंगा। ये है सरदार सेना की मांग। अभी मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को एससी में किया गया है, बैकवर्ड से काट कर, इसके बारे में आपकी विचारधारा के अनुसार क्या है? जी जी, धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 17 जातियों को दलित में यानी एससी समुदाय में शामिल किया गया है वो पूरी तरह योगी और मोदी एंड आरएसएस कंपनी का एक छलावा है, पिछड़ी जातियों के खिलाफ एक छलावा है, वो छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह इस बात को उठाए थे लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के असफल हुए हैं। वही प्रक्रिया योगी आदित्यनाथ एवं योगी एंड आरएसएस कंपनी करने जा रही है। इसका मैं घोर विरोध और निंदा करता हूँ, सरदार सेना संगठन की तरफ से निंदा करता हूँ। अगर उनको करना ही है, उनको 17 जातियों को देना ही है, अगर एससी में वो शामिल करते हैं तो उनकी आबादी के अनुसार उनको प्रतिनिधि दें और उसमें काट करके बैकवर्ड का जो आबादी के अनुसार प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि देने का काम योगी और मोदी सरकार करे, हमारी खुली चेतावनी है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग संपूर्ण पूरे देश में समस्त पिछड़े और दलित समुदाय को लेकर के एक महा आंदोलन की तैयारी करेंगे और वह महा आंदोलन जल्द ही होगा। योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सरदार सेना करेगी। मैं बांकेला निषाद, फ्रीलांस रिपोर्टर उत्तर प्रदेश, कैमरामैन काजू मिश्रा के साथ।